तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में क्लियरली केवल सेल 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 ही चल रहा है। मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, वीक्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। इंडिया वीक्स ये दिखा रही है कि मार्केट में किस तरह से प्रेशर बनते जा रहा है। वीक्स अगर आप देखेंगे, इंडिया वीक्स का चार्ट को देखिए, रेगुलर बढ़ रहा है। 17 पॉइंट जो है 08 आ गया है, पहले ये 16 में हुआ करता था। यानी राइजिंग इंडिया वीक्स ये बता रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है और मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। 22,302 पे हम आके क्लोजिंग हुए हैं। दिन भर रेंज बाउंड ही मार्केट रहा, इसी के आसपास देखिए। और सपोर्ट कर रहे थे बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, हिंडालको, कोल इंडिया जैसे शेयर 2 से 3%, लेकिन गिर रहे थे। गिरने वाले दिग्गज थे डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट्स, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। और इसी के रीजन बैंक निफ्टी नहीं बढ़ पा रहा था। निफ्टी तो सपोर्ट कर रहा था बढ़ने में, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके चलते मार्केट में हेवी प्रेशर देखने को मिल रहा था। 48,081 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 264 पॉइंट गिर के। तो आज क्या प्राइस सेटअप बैठेगा, कहाँ पे रणनीति बननी चाहिए, क्या डाटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। निफ्टी के अगर वीकली चार्ट से अगर स्टार्ट करें तो देखिए 22,302 को लेवल को काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे कल भी हमने डिस्कस किया था, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 22,306 पे। अभी भी वीक क्लोजिंग होने में आज और कल का 2 दिन बाकी है। 2 दिन में ये कैसा प्राइस सेटअप बैठेगा ये देखना होगा, लेकिन 22,300 को लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। ये देखिए नीचे का सारा जोन आप देखेंगे रेसिस्टेंस का है, ऊपर का सारा जोन देखिए ये सपोर्ट लेवल है। तो 22,300 जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 22,300 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी पॉसिबल है कि मार्केट में ऊपर तेजी आएगी। एटलीस्ट 22,500 के ऊपर ही अच्छी तेजी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे 22,300 पे बार बार निफ्टी आके अटक रहा है। तो मेजर तेजी 22,500 के ऊपर ही देखने को हमें मिलेगी। 22,500 के नीचे मार्केट में अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा। ये देखिए 1, 2, 3, जैसा कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेज होता है। अब वही देखिए 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक चांसेज हुआ है। अब ये बना है इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल का हाई है, ये इनसाइड कैंडल का लो है। तो इनसाइड कैंडल के हाई और इनसाइड कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो इनसाइड कैंडल का हाई है ये है 22,300, ये जो इनसाइड कैंडल का हाई है इसको और एक बार मार्क कर लेते हैं। ये ऊपर में है देखिए 22,370, तो 22,370 पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इसको पहले। ये देखिए हाई इसका है 22,370, और इसका लो है नीचे का 22,166, 22,166। अब हमें ये देखना है कि जिस दिशा में मार्केट मूव करता है किधर मार्केट ब्रेकआउट देता है। 22,370 ऊपर का जोन है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जोन है 22,370। अगर यहाँ पे नोट कर लेते हैं 22,370 के ऊपर निफ्टी अगर निकलता है तब हमें बाइंग का प्लानिंग करना चाहिए, और अगर नीचे ये जो लेवल है 22,190 इसके नीचे अगर फिसलता है निफ्टी तो हमें सेल का प्लानिंग करना चाहिए, तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। 22,190 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, और फिर ये कहाँ तक थम सकती है आके, ये 22,000 तक आके थम सकती है। यानी ह्यूज प्रेशर देखने को मिलेगा अगर नीचे के साइड में डाउनफॉल होता है। ऊपर की ओर अगर 22,370 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छी तेजी पॉसिबल है, और इसका जो प्रीवियस डे का हाई है ये 22,500। तो 22,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है जहां से मार्केट ने मूवमेंट दिया था, और यही लेवल यहां पे देखने को मिलेगा।
तो चीजें काफी सिंपल हैं। 22,370 के ऊपर निकलता है तो 22,500 के लिए रेडी रहिए, 22,190 को तोड़ता है तो 22,000 के लिए रेडी रहिए। काफी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है इनसाइड कैंडल का। इनसाइड कैंडल क्यों है, क्योंकि प्रीवियस जो वीक का कैंडल था इसका ना तो हाई को तोड़ा ना तो लो को तोड़ा, इसी के बीच बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो इसीलिए इसका हाई और लो को मार्क करके जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट देगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दे रहा है, कहाँ पे प्राइस सेटअप बैठ रहा है, ये समझते हैं। इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे। अब ये लेवल क्या है, ये लेवल देखिए ये है 22,364, यहाँ से देखिए रिजेक्शन आया था और बाइंग कहाँ से आई है, 22,200 का लेवल से बाइंग आई है। जैसा इनसाइड कैंडल बता रहा था कि अगर हाई और लो को मार्क कर लें जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट देगा उस दिशा पे ट्रेड लेते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये जो लेवल है 22,370 ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये सारा देखिए यहाँ पे ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ सपोर्ट जोन है, यहाँ सपोर्ट जोन है, यहाँ सपोर्ट जोन है, यानी मल्टीपल टाइम ये जो लेवल है काफी टाइम रिस्पेक्ट दिया है निफ्टी ने। ये लेवल है 22,370 का, तो 22,370 एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। 22,370 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी यहाँ से एक ब्रेकआउट माना जाएगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा 22,450 और 22,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो 22,370 के ऊपर अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से तब हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है 22,500 का लेवल। लेकिन अगर फॉल आती है, मेजर फॉल आती है, कहाँ से फॉल आएगी, ये है 22,200 का लेवल। 22,200 एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से तो एक फॉल देखने को मिल सकता है, फिर हमें 22,000 का लेवल तक निफ्टी दिखा सकती है। तो चीजें सिंपल है, 22,370 के ऊपर निकलता है तो अच्छी तेजी होगी 22,450 22,500 के लिए, लेकिन अगर सेलिंग आती है तो यहाँ से सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग आ जाएगी 22,200 को अगर ब्रेक डाउन दे देता है निफ्टी तो फिर एक फॉल देखने को मिलेगा, 22,000 तक का लेवल हमें दिखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है मार्केट में तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट देगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, मान लीजिए आधे घंटे 30 मिनट्स का ये हाई लो को मार्क कर लेंगे, अब जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट देगा मान के चलिए उस दिशा पे ट्रेड लेने से अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे कि आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया, यहाँ पे देखिए ये कल का 8 तारीख का है, ये आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया, मार्केट में देखिए ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ, ग्रीन कैंडल लेके ही अगर कोई बैठा रहेगा तो अच्छा मुनाफा लास्ट आवर में देखने को मिला होगा, अच्छा मूव देखने को मिला होगा। तो चीजें सिंपल है, 22,370 के ऊपर बाइंग, 22,200 के नीचे सेलिंग, इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तब आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट देगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी देखिए 48,000 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है बार बार, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के दिखाता है कि 48,000 पे काफी मेजर सपोर्ट है, 48,000 का जोन देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये मल्टीपल टाइम देखिए नीचे का जो जोन है सारा ये एक काम कर रहा है रेसिस्टेंस का, ऊपर का सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है 48,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना, 48,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी तभी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखिए रेगुलर
छह ट्रेडिंग सेशन से केवल गिरावट ही देखने को मिल रही है। एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छह, यानी हेवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये 48,000 पे जो क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग देने का रीजन क्यों है? जैसा वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, मल्टीपल टाइम 48,000 को मार्केट बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और तेजी आई थी। अब यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न का ब्रेक का डाउन टूटेगा तो बैंक निफ्टी में और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये नीचे का सारा जोन आप देखिए रेसिस्टेंस जोन है, ये सारा सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है 48,000 के ऊपर टिकना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी पॉसिबल है कि मार्केट में एक तेजी आएगी। 48,500, 48,600 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। 48,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 48,500, 48,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है, कहाँ पे सेलिंग आएगी? 48,000 के नीचे जैसे ही फिसलेगा बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। फिर हमें 47,800 और उसके नीचे बैंक निफ्टी फिसल सकता है 47,000 का लेवल तक। तो चीजें सिंपल है, 48,000 के ऊपर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर गिरावट आनी है तो इसके नीचे अगर फिसलती है तो 47,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो कुछ लेवल्स हमें निकल के आएंगे। ये लेवल्स क्या हैं, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है। ये जो 48,000 का लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्लियरली विजिबल है। यहाँ देखिए ये सपोर्ट का काम, यहाँ सपोर्ट का काम, यहाँ रेसिस्टेंस का काम। इसलिए 48,000 का जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी पे। फिर 48,400 और इसके ऊपर भी फिसल तक आगे बढ़ सकते हैं 48,800। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 48,400 और 48,800 का लेवल के लिए भी आपको पॉसिबल है कि देखने को मिल जाए। लेकिन अगर फॉलिंग आनी है तो 48,000 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है तब एक फॉल भी देखने को मिल सकती है। फिर 47,500, फिर 47,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो चीजें सिंपल है, 48,000 के ऊपर पॉजिटिव बाइंग होगी और 48,500, 48,800 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेलिंग आनी है 47,000 तक का, 48,000 के नीचे अगर फिसल जाता है तो 47,000 और 47,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को देखेंगे, 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव देगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मूवमेंट देगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। कल के सत्र में भी अगर देखेंगे आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क किया होगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट दिया है उस दिशा पे ट्रेड लिया होगा तो अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। अभी फ्लैट कारोबार दिखा रहा है, अभी गिफ्ट निफ्टी खुलेगा फ्लैट। गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। अभी ये दिखा रही है फ्लैट, लेकिन हो सकता है गैप डाउन हो जाए या गैप अप भी हो सकती है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में अच्छी तेजी है, डॉ जोन्स में देखिए 172 पॉइंट का तेजी है। वहीं पे S&P में थोड़ी गिरावट है, नेस्टेक में थोड़ी गिरावट है, FTSE में बढ़त है, CAC में बढ़त है, DAC में बढ़त है, ये सारे 40, 55 और 68 पॉइंट की तेजी के साथ। जापान का मार्केट निकी 632 पॉइंट गिरा है, हैंगसेंग 165 पॉइंट गिरा है, यानी एशियन मार्केट थोड़ा कमजोर दिख रहा है। और जाते जाते ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद करा देते हैं कि कहाँ पे भिक्स वाला बात हुआ, जैसे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा कहाँ पे दिख रहा है, PCR किस तरह से दिख रहा है,
ये थोड़ी संक्षिप्त में इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉल ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा OI 22,800 पे खड़ा है। 22,800 पे देखिए 1.23 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, तो 22,800 एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। कॉल राइटर भी यहाँ पे खड़े हैं। पुट ऑप्शन डाटा में 22,000 के स्टैक से ज्यादा OI खड़ा है, 85.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। 22,200 पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है पीड लाइट इंडस्ट्री पे, ICICI जनरल इंश्योरेंस, HCL टेक्नोलॉजी। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है टाटा मोटर्स, ABB इंडिया, मैरिको जैसे शेयरों पे, भारत फोर्ज जैसे शेयरों पे, लॉन्ग एंड माइनिंग OFSS, HUL, MCX जैसे शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है पीड लाइट इंडस्ट्री, PEL, वोल्टा जैसे शेयरों पे। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है नवीन फ्लोरिन, UBL गुजरात के जैसे शेयरों पे। PCR 0.77 का आ गया है, जो दिखा रहा है कि एक अच्छा कंफर्ट जोन है बाइंग करने का। बल्क डील हो रहा है चेन्नई पेट्रोलियम केमिकल पे, देखिए सेल हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे शेयर हैं जहां पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रिजल्ट हो रहा है टाटा मोटर्स, आइसर मोटर, आज इसका रिजल्ट होने वाला है। L&T ने प्रॉफिट दिया है 10% का, ये तेजी दिखा सकता है। टाटा पावर 15% प्रॉफिट है, ये भी तेजी दिखा सकता है। TVS मोटर 18% का तेजी है, प्रॉफिट हुआ है इसका क्वार्टरली रिजल्ट में। HDFC लाइफ फोकस में रख सकता है। KKI मिस्त्री जो है बोर्ड ज्वाइन किए हैं, तो एक अच्छा ये मूवमेंट है। KKI मिस्त्री वही है जो HDFC को खड़ा किया था, अब HDFC लाइफ ज्वाइन किए हैं, तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है। BSE भी प्रॉफिट में है, 106 करोड़ का प्रॉफिट, 20% का ग्रोथ। अब BSE ऐसा प्लेटफॉर्म है प्रॉफिट होना ही होना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो किसी को, इसको तो प्रॉफिट होना ही, क्योंकि हमेशा जुए खिलाने वाले जीतते हैं, खेलने वाले जीतते और हारते रहते हैं। FII ने सेल किया है 7000 करोड़ का करीब करीब, पंप किया है। DI ने करीब करीब 6000 करोड़। FNO बैन में शामिल किया गया है कैनरा बैंक को, पिरामल इंटरप्राइजेज को। वहीं रिटेन किया गया है आदित्य बिरला जैसे शेयरों को, वोडाफोन जैसे शेयरों को, GMR इंफ्रा, पंजाब नेशनल बैंक, सेल, जी एंटरटेनमेंट जैसे दिग्गज जो थे उसको शामिल किया गया। जाते जाते मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक बार बात कर लूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होती है लॉसेज से। फियर्स और ग्रीड कंट्रोल करते हैं, तो फियर्स और ग्रीड को दोनों को कंट्रोल करना जरूरी होता है, इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीकेंड पे मैं इसका वीडियो लेके आऊँगा। स्टॉप लॉस काफ़ी जरूरी होता है, कोई भी ट्रेडिंग करे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस से ही आपका प्रॉफिट बचेगा, आपका कैपिटल बचेगा, कैपिटल बचेगा तो आप सर्वाइव करेंगे मार्केट पे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एन ऑर्डर प्लेस विद ब्रोकर टू बाय और सेल स्पेसिफिक स्टॉक एट वंस द स्टॉक रीचेस सर्टेन प्राइस। स्टॉप लॉस डिजाइन टू लिमिट एन इन्वेस्टर लॉस टू सिक्योरिटी पोजिशन, तो ये पोजीशन को सिक्योर करता है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।